बहू की अदृश्य सहेली। काम से बचने के लिए तो हर कोई बहाने बनाता है, लेकिन कुछ कुछ बहाने इतने अतरंगी होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और कुछ ऐसा ही अतरंगी बहाना सोचा मीना की बहू पीहू ने। विशाल फोन पर अपनी फैमिली डॉक्टर से बात खत्म करके पीहू से कहता है, पीहू देखो, मैंने अभी अभी डॉक्टर से बात की है। वो बता रहे थे कि माँ के घुटनों में थोड़ी दिक्कत है, तो वो थोड़ा कम ही काम करे। तो इसलिए तुम ध्यान रखना कि वो ज्यादा काम ना करे, नहीं ज्यादा चले फिरे। अभी कुछ दिनों उन्हें आराम की जरूरत है। पीहू बहुत ही ज्यादा आलसी थी, इसलिए जब उसे पता चलता है कि अब सारे काम का बोझ उस पर आने वाला है, तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कहती है, विशाल, अगर ऐसा है तो तुम कोई काम वाली क्यों नहीं लगा देते? मैं अकेले घर का सारा काम कैसे करूँगी? पीहू, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुम तो जानती हो हमारा घर शहर से कितनी दूर है, इसलिए यहाँ पर कोई नौकरानी आना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर एक दो ही घर है और उसमें क्या बनेगा उसका। अब पीहू को अपनी सास के हिस्से का भी काम करना पड़ता था। पीहू जो छोटे छोटे काम करने के बाद आधे एक घंटे का आराम करती थी, अब उसे 10 मिनट भी आराम नहीं मिल रहा था। इन सब चीजों से परेशान होकर पीहू के दिमाग में एक आइडिया आता है। बहुत हो गया, अब मैं इतना काम नहीं कर सकती। अरे माँ जी के घुटने क्या इतने खराब हो गए हैं कि वो अपनी बहू की मदद भी नहीं करा सकती? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब और नहीं, अब देखिए माँ जी मैं क्या करती हूँ। फिर अगले दिन जब मीना टीवी देख रही होती है, तभी पीहू मन ही मन कहती है, यही सही समय है अपने आइडिया को आजमाने का। फिर पीहू अपनी सास से कहती है, माँ जी अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा होगा, प्लीज रिमोट मुझे दे दीजिए ना। अरे बहू, तुझे तो पता है ना कि ये समय मेरे भजन कीर्तन के चैनल का होता है, तो बाद में देख लेना अपना फेवरेट शो। शट अप यार, माँ जी सही कह रही है, ये उनके भजन कीर्तन का समय है। बहू, तू कुछ कह रही है क्या? नहीं नहीं माँ जी, आपसे नहीं कह रही। अरे मुझसे नहीं कह रही तो किससे कह रही है? मेरे अलावा यहाँ है कौन? अरे बकवास बंद करेगी, ये कौन सा तरीका होता है अपनी सास से बात करने का? माँ जी मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं तो अपनी सहेली से कह रही हूँ। ये कब से कह रही है कि मुझे वही सीरियल देखना है देखना है। अपनी बहू की ये बात सुनकर मीना डर जाती है, क्योंकि उनके पास कोई भी नहीं था। मीना बहू, तू कौन सी सहेली की बात कर रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे माँ जी वो तो मेरे साथ में ही बैठी है, और कब से रिमोट मांग रही है। इसके बाद मीना डर के मारे पीहू को रिमोट देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पीहू मजे से टीवी देखती है और उसे काम ना करने का भी रामबाण उपाय मिल जाता है। फिर अगली सुबह मीना पीहू के कमरे में जाती है और कहती है, बहू वो एक हफ्ते से कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, तू जरा धो दे। तू धो देगी तो मैं एक एक करके छत पर सुखा दूंगी। बस करना यार, हर बार मैं तेरी बात नहीं मान सकती। अरे बहू ये तू क्या कह रही है? माँ जी आपसे नहीं अपनी सहेली से कह रही हूँ, वो मुझसे कह रही है कि तू कहीं मत जा, मेरे साथ बैठकर बात कर। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है, मुझे और भी तो काम करने हैं ना। अभी भी वो तेरे साथ ही है क्या? ये तू क्या कह रही है, ऐसा मत बोल, वो मेरी सास है। तेरी सहेली मेरे बारे में कुछ कह रही है क्या? हाँ माँ जी ये कह रही है कि तेरी सास कितनी चुड़ैल, कितनी दुष्ट और गंदी है, जो तुझसे इतना काम करा रही है और मेरे साथ समय बिताने नहीं दे रही। अच्छा अगर ऐसा है तो तू इसके साथ बैठकर बात कर, मैं जाकर कपड़े धो देती हूँ। इसके बाद मीना वहाँ से कपड़े धोने चली जाती है, और यहाँ पीहू मजे से बैठकर पूरा दिन फोन चलाती है, और अब ये रोज का बन जाता है। घुटने के दर्द होने के बावजूद भी मीरा पूरा घर का काम करती और पीहू बैठकर बस आराम फरमाती। फिर एक दिन मीना अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। पीहू मीना को उसके कमरे तक ले जाती है और फिर विशाल को फोन करती है। विशाल अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर मीना को इंजेक्शन देती हैं, जिससे उसे राहत मिलती है। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं, अरे विशाल मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब मीना जी से ज्यादा काम मत करवाया करो, उनके घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा, लेकिन लगता है तुमने मेरी बातों का ध्यान से नहीं सुना। आप ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर, मैंने तो पीहू को कहा था कि माँ से एक भी काम ना कराए, फिर ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। अरे डॉक्टर साहब बात ऐसी है कि बहू की एक दोस्त है जो दिखाई नहीं देती, और वो हमेशा बहू से बातें करती रहती है,
मुझे तो उससे बड़ा ही डर लगता है और उसी डर के मारे मैं पूरे घर का काम कर देती हूँ। डॉक्टर मीना की बात सुनकर पूरी कहानी समझ जाते हैं और उसके बाद वो पीहू को बुलाकर कहते हैं, पीहू कैसी हो तुम? अरे तुम्हारी सहेली भी साथ आई है, कैसी हैं आप? मेरी सहेली? नहीं नहीं, मेरी सहेली तो यहाँ नहीं आई। अरे पीहू कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे साथ ही तो खड़ी है। क्यों विशाल और मीना जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? ऐसा कहकर डॉक्टर दोनों को आँख मारता है और दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। क्या आप सच कह रही हैं? अगर ऐसी बात हो तो मैं जरूर पीहू को 7 इंजेक्शन लगा दूंगा। 7 इंजेक्शन? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आपकी फ्रेंड बता रही है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और एनर्जी वाले 7 इंजेक्शन देने के बाद ही आपकी तबीयत ठीक होगी। इंजेक्शन का नाम सुनकर पीहू डर जाती है और ये बात डॉक्टर को पता होती है, जिसके बाद पीहू कहती है, नहीं नहीं, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। लगवाना तो पड़ेगा, तुम्हारी सहेली झूठ थोड़ी बोलेगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। कोई सहेली होगी तब ना झूठ बोलेगी, मैं तो बस काम से बचने के लिए बहाना बना रही थी, मेरी कोई इनविजिबल सहेली नहीं है। सच सबके सामने आ जाता है, जिसके बाद डॉक्टर पीहू को अपनी बनाई हुई कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं, पीहू देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें काम करना पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सास की जान खतरे में डाल दो। तुम्हारे इस मजाक की वजह से कुछ गलत भी हो सकता था, और विशाल अगर पीहू को घर का काम करने में दिक्कत होती है तो तुम किसी नौकरानी को क्यों नहीं रख लेते? डॉक्टर साहब मैं तो खुद नौकरानी रखना चाहता हूँ, लेकिन शहर से घर थोड़ा दूर होने के कारण यहाँ पर कोई नौकरानी आती ही नहीं। ठीक है, मुझे एक नौकरानी के बारे में पता है जो यहाँ आ सकती है, मैं उसे यहाँ भेज दूंगा। लेकिन पीहू तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद कभी भी ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगी। मैं सच कहती हूँ, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। पीहू की बात सुनकर उसकी सास मीना बोल पड़ती है, अच्छा वैसे ये मेरी बहू बोल रही है या मेरी बहू की सहेली? मीना की ये बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं।